हेलो फ्रेंड्स, आज है सितंबर की 11 तारीख और बारिश जो है वो बहुत ही अच्छी शुरू हो गई है। तो इसमें कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है, तो लगातार बारिश होने का फ़ायदा आप उठा सकते हैं। कुछ ऐसे प्लांट आपके साथ शेयर करेंगे जिसकी कटिंग इस समय बहुत ही ईजिली ग्रो हो जाएगी। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये गुलदाउदी का प्लांट है। गुलदाउदी की कटिंग आप 4 से 5 इंच की लगा सकते हैं और बहुत ही आसानी से इसकी कटिंग लग जाती है। इसकी जो सॉयल मिक्सचर आप बनाएं, उसमें आप रेत जो है उसकी मात्रा ज़्यादा रखें, 40% आप रेत की मात्रा रखें, तो आपकी जो गुलदाउदी की कटिंग है वो बहुत ही अच्छी और बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाएगी। इसी तरह से आप पर्सलेन की भी कटिंग लगा सकते हैं इसी तरह की सॉयल मिक्सचर में। करी पत्ते के प्लांट की जो कटिंग है वो भी आप लगा सकते हैं, 5 से 6 इंच की कटिंग लेकर आप इसको लगा सकते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये है पत्थर चट्टा का प्लांट, इसकी भी कटिंग्स बहुत ही ईजिली ग्रो हो जाती है। और ये है गेंदे का प्लांट, तो इसकी भी कटिंग बहुत ही ईजिली ग्रो हो जाती है। तो कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिस कारण आप देख सकते हैं हमारा जो पॉट है उसमें पानी भर चुका है। तो ये पानी जो है अगर इसी तरह से भरा रहेगा तो हमारा जो प्लांट है वो गल सकता है, तो इस पानी को हमें निकाल देना है। तो ये हमारा मटकी में प्लांट लगा है, इसमें हमने ड्रेनेज होल नहीं बनाए थे, तो इसी वजह से इसमें ये पानी भर गया है। तो इसका हमें पानी भी निकालना है और मटकी को अब हम इसी तरह से पलट कर रखेंगे जब तक बारिश हो रही है। तो इसको इस तरह से हम पलट कर ही रखेंगे, तो इसमें पानी नहीं भरेगा तो हमारा जो प्लांट है वो गलेगा नहीं। इस समय आप सदाबहार की कटिंग भी लगा सकते हैं, 4 से 5 इंच की कटिंग्स बहुत ही ईजली ग्रो हो जाती है। मोरपंखी का जो प्लांट है इसकी भी आप कटिंग ले सकते हैं, 5 से 6 इंच और ग्रो कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये हार श्रृंगार का प्लांट, तो इसकी भी आप कटिंग 5 से 6 इंच की लगा सकते हैं। तो आप देख रहे हैं और देखकर ये सोच रहे होंगे, सभी गमलों को इस तरह से क्यों पलट कर रख दिया है, क्योंकि कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है जिसके कारण हमारा जो प्लांट है वो गल सकता था ओवर वाटरिंग की वजह से। तो आप देख सकते हैं, ये हमने पालक लगाई थी, तो पालक जो है हमारी ज़्यादा पानी की वजह से आप देख सकते हैं गलने लगी है। तो इसी वजह से हमने अपने सभी पॉट को इस तरह से पलट कर रख दिया है, जिससे हमारे जो प्लांट है वो ख़राब ना हो। और ये आप देख सकते हैं, ये है क्लांचो का प्लांट, तो इसकी भी कटिंग बहुत ही आसानी से लग जाती है। इसकी जो पत्तियाँ हैं इनसे भी आप अपने प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। तो जो क्लांचो होता है इसको पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है, अगर इस प्लांट में ज़्यादा पानी पड़ेगा तो ये प्लांट की जो पत्तियां हैं वो गलने लगेंगी, इसकी जो रूट्स हैं वो भी गलने लगेंगी, तो आपका प्लांट ख़राब हो सकता है। तो इसमें क्लांचो का जो प्लांट है इसमें ओवर वाटरिंग नहीं होनी चाहिए। ये आप देख रहे हैं, ये है स्नेक प्लांट, तो ये स्नेक प्लांट की छोटी वैरायटी है। तो स्नेक प्लांट को आप पत्तियों से भी ग्रो कर सकते हैं और इसके जो बेबी प्लांट्स ग्रो होते रहते हैं तो उनसे भी आप अपने प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। तो अभी इसमें बेबी प्लांट्स नहीं ग्रो हो रहे हैं। एक प्लांट हमारे पास ये है स्नेक प्लांट का ही है, इसकी भी हमने छोटी सी कटिंग से हमने इसको एक लीफ जो होती है, ये पत्ती जो होती है इससे हमने ये प्लांट, जो जितने भी हमारे पास प्लांट हैं ये सभी प्लांट हमने लीफ से तैयार किए हैं। एक लीफ से एक प्लांट तैयार हो जाता है, तो एक प्लांट से कई बेबी प्लांट्स ग्रो होते हैं। ये आप देख सकते हैं, इसमें करीब 3 से 4 बेबी प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं। तो इस तरह से आप भी एक लीफ से कई प्लांट तैयार कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये है क्रोटोन का प्लांट, तो ये भी कटिंग से ग्रो हो जाता है। ये आप देख रहे हैं, ये है जेड प्लांट, और जेड प्लांट की भी कटिंग्स लग जाती हैं। ये आप देख सकते हैं, हमने एक पॉली बैग में कटिंग्स ग्रो की थी, तो आप देख सकते हैं कितनी हेल्दी और कितनी बड़ी बड़ी सी हमारी कटिंग्स हो गई हैं। तो इनकी हम आपको रूट्स भी दिखाते हैं, कितनी अच्छी हमारी कटिंग्स जो हैं वो ग्रो हो रही हैं। तो इसकी आप रूट्स भी देख सकते हैं कितनी अच्छी डेवलप हो गई हैं। तो इसकी आप कटिंग्स इस समय ग्रो कर सकते हैं। जेट प्लांट जो होता है इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, तो इस बात का ध्यान रखें कि जब जेट प्लांट की कटिंग लगाएं तो हल्का सा मॉइस्चर ही बना रहे, बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग ना हो। बहुत ज़्यादा पानी अगर गमले में भरा रहेगा तो आपका जो आपकी जो कटिंग्स है वो गल जाएगी।
आपको हमारा वीडियो यूज़फुल लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। फिर मिलते हैं इसी तरह के यूज़फुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।